हाय दोस्तों, तो यार पोको ब्रांड को हम सब लोग डेड सा मान चुके थे क्योंकि 2019 में उसने कुछ भी लॉन्च नहीं किया था। बट इस साल की शुरुआत में एकदम से पोको ने वापसी करी पोको X2 के साथ, और अब पोको का जो ग्लोबल अकाउंट है वो भी थोड़ा एक्टिव हो गया है, एक नया फोन टीज कर रहा है। तो काफी श्योर हम मान सकते हैं कि पोको F2 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, और ऑब्वियसली इंडिया में तो उसका बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं सब लोग, काफी हाइप है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार इस बार हम शायद डिसअपॉइंट होने वाले हैं पोको F2 से। अब क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्या होने वाला है पोको F2 में, सारी चीजें आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहली बात तो भाई मुझे लगता है एक तो पोको F2 नाम ही गलत है। तो 2018 में पोको ने पोको F1 निकाला था जो कि उसका पहला फ्लैगशिप किलर था। 2019 में कोई भी फोन नहीं निकाला पोको ने, बट वो इसलिए था क्योंकि Xiaomi ने Redmi ब्रांड के थ्रू ट्राई किया था फ्लैगशिप किलर 2.0 निकालना, जो कि था Redmi K20 Pro। अब यहाँ पे फ्लैगशिप किलर 2.0 इसको इसीलिए बोला गया था क्योंकि फ्लैगशिप किलर 1 जो था वो पोको F1 था। तो उसके हिसाब से पोको F2 टेक्निकली आपका Redmi K20 Pro ऑलरेडी आ चुका है। तो इस साल जो भी फोन लॉन्च होगा, पहली बात तो उसका नाम पोको F3 होना चाहिए था भाई। पर खैर चलो, अभी लॉन्च नहीं हुआ है फोन, मैं होप कर रहा हूँ शायद पोको ये मिस्टेक रियलाइज कर ले। अब फोन पे आ जाते हैं, तो जैसे ही इंडिया में Redmi K30 लॉन्च हुआ था पोको X2 के नाम से, तब से ही हम लोग सोच के बैठे हुए थे कि Redmi K30 Pro जो भी होगा वही पोको F2 बन के आएगा। और अभी मोरलेस आप इसे कंफर्म मान सकते हो। डिजाइन यहाँ पे आपको बढ़िया मिल रहा है, पीछे सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है, शायद आपको पसंद आएगा शायद नहीं। Redmi K20 Pro की तरह ही यहाँ पे भी पॉपअप सेल्फी वाला सीन है, तो एकदम बेजललेस नॉचलेस आपको डिस्प्ले मिल रही है। सबसे बड़ा चेंज जो है यहाँ पे, स्नैपड्रैगन 855 की जगह स्नैपड्रैगन 865 आपको मिल रहा है। तो ये फोन मतलब 5G कैपेबिलिटी के साथ आ सकता है। अब इसके अलावा 4700mAh की बैटरी है, 33W चार्जिंग है, क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है, 64MP IMX686 प्राइमरी कैमरा है, सेम कैमरा जो आपको पोको X2 में भी मिलता है। अब Redmi K20 Pro अब सबको याद होगा भाई बहुत अच्छा फोन था, और उसकी चमक थोड़ी सी इसलिए कम हो गई थी क्योंकि Realme ने एक अपना बजट फ्लैगशिप निकाल दिया था Realme X2 Pro। यहाँ पे दो सबसे बड़े फीचर जिसकी वजह से Realme X2 Pro आगे निकल गया था K20 Pro से, वो था हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन और स्टीरियो स्पीकर्स। मतलब इसके अलावा और भी अच्छी चीजें थी यहाँ पे, जैसे टेलीफोटो लेंस आपको अच्छी मिल रही थी, चार्जिंग स्पीड बहुत तेज थी। पर ये दो जो फीचर थे, रिफ्रेश रेट और स्टीरियो स्पीकर, इसकी वजह से Realme X2 Pro ओवरऑल एक बहुत बेटर पैकेज बन गया था। बट हमें लगा था ठीक है, Redmi K20 Pro पहले आया है, Realme X2 Pro बाद में लॉन्च हुआ है, इसलिए इसको ये एडवांटेज मिल गया है। नेक्स्ट जो होगा Redmi का बजट फ्लैगशिप, उसमें ऑब्वियसली ये चीजें सही हो जाएंगी। आ जाते हैं वापस पोको F3 पे। यहाँ पे इतनी सारी चीजें इंप्रूव करी हैं Xiaomi ने, और यही दोनों चीजें उसने खाली छोड़ दी हैं। अभी भी 60Hz रिफ्रेश रेट की आपको स्क्रीन मिल रही है, अभी भी स्टीरियो स्पीकर आपको नहीं मिल रहे हैं, और इनफैक्ट Redmi K20 Pro में आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता था, यहाँ से वो टेलीफोटो लेंस भी गायब हो गया है। तो मतलब ऑब्वियसली फोन में इंप्रूवमेंट है, जैसे परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बेटर मिलेगी, स्टोरेज स्पीड बढ़ा दी गई है, UFS 3 आपको मिल रही है UFS 2.1 की जगह। बट यार प्रैक्टिकली देखो तो इन चीजों का कितना यूज करेंगे हम, 5G अभी हमारे देश में आना नहीं है अगले 2 साल। स्नैपड्रैगन 865 और 855 की परफॉर्मेंस में पावर में अच्छा खासा फर्क है, बट उस एक्स्ट्रा पावर का आप यूज कहाँ करोगे वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने गेमिंग टेस्ट किया था 865 855, लिंक आपको ऊपर यहाँ कार्ड में मिल जाएगा, तब यार पबजी वगैरह में तो एटलीस्ट मैं बिल्कुल फर्क नहीं देख पाया था। ऑब्वियसली अगर मैं साइड बाय साइड स्पीड टेस्ट करूंगा ऐसे कुछ बहुत हैवी टास्क करके कि वीडियो रेंडर करनी है या फिर गेम लोडिंग टाइम देखना है, तो आपको फर्क दिखेगा। बट रियल लाइफ परफॉर्मेंस में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी स्नैपड्रैगन 855 या 855 प्लस की स्पीड से कुछ प्रॉब्लम होगी। अब आप बोलोगे कि ठीक है रिफ्रेश रेट ही तो है, इतनी बड़ी क्या बात हो गई, बट देखो बड़ी बात यहाँ पे पोको ने खुद बनाई थी जब पोको X2 उसने लॉन्च किया था। Realme का भी मजाक बनाया था उन्होंने कि भाई 90Hz दे रहे हो तुम, हम 120 दे रहे हैं, और इतना हो हल्ला करने के बाद वही कंपनी डबल प्राइस का एक फोन लॉन्च कर रही है और उसमें उन्होंने वापस 60Hz पे ले आए हैं सीधा। तो ये एक तो मेरा सबसे बड़ा इशू है कि जो दो मेन चीजें इंप्रूव करनी चाहिए थी Xiaomi को वो इंप्रूव नहीं करी है, और दूसरी चीज यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि प्राइसिंग यहाँ पे कैसे मैनेज करेगा Xiaomi। देखो Redmi K20 Pro इस टाइम आपको 27,000 के अराउंड मिल जाए, 6128 मॉडल। Realme X2 Pro आपको 30-32,000 के बीच में मिल जाएगा, और इस टाइम सबसे चीपेस्ट Snapdragon 865 वाला फोन iQOO 3 है जो 35,000 से स्टार्ट है। उसके ऊपर फिर आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे, Realme X50 Pro है, OnePlus 8 है, और Xiaomi का ही अपना Mi 10 भी आने वाला है।
जो मेरे हिसाब से इसी रेंज में होना चाहिए। अब इंटरनेशनल प्राइसिंग के हिसाब से तो थोड़ा महंगा लगता है Redmi K30 Pro, बट मेरे हिसाब से इंडियन प्राइसिंग 35,000 के नीचे होनी चाहिए डेफिनेटली। बट कितनी भी अच्छी प्राइसिंग रखने की कोशिश कर ले, मेरे हिसाब से 30,000 के नीचे तो बिल्कुल नहीं जा सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6GB 128GB मॉडल अगर आया इंडिया में तो 29,999 उसका प्राइस रख सकता है Xiaomi। अभी अगर आप कंसिडर करो तो स्नैपड्रैगन 865 के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा प्राइस है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इससे अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हुआ प्राइस तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना पोको F2 को, क्योंकि अगर आप ये फोन मेनली गेमिंग के लिए ले रहे हो तो आपको 35,000 पे iQOO 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा है, बट एटलीस्ट कैमरा सेटअप यहाँ पे थोड़ा बेटर है, चार्जिंग स्पीड्स बेटर है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको गेमिंग ट्रिगर्स मिल जाते हैं, तो आपका एटलीस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस में आपको फायदा होगा। और अगर आपको सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, ओवरऑल एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो फिर आपके पास दो बहुत अच्छे ऑप्शन है, Realme X2 Pro, OnePlus 7T। दोनों में आपको हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन मिल जाएंगी, कैमरा सेटअप बहुत अच्छा मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, और परफॉर्मेंस तो आपको यहाँ पे अच्छी मिली रही है स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ। बस एक चीज आप मिस करोगे यहाँ पे कि 5G सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, बट उसके अलावा ओवरऑल जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अपने फोन से वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो वो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, 30,000 के ऊपर अगर पोको F2 का प्राइस चला गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना इस पैकेज को, और 30,000 के ज्यादा नीचे प्राइस जा नहीं सकता क्योंकि वहां पे फिर Xiaomi लुट जाएगा। पर 30,000 भी अगर प्राइस रख दिया तो फिर एक वो सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए कि अगर आप 60Hz और बिना स्टीरियो स्पीकर वाला फोन ले ही रहे हो तो आप Redmi K20 Pro भी कंसीडर कर सकते हो। डिजाइन वगैरह ऑलमोस्ट सेम लेवल का है, कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको मोर और लेस सिमिलर सी मिल जाएगी, टेलीफोटो लेंस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब थोड़े बहुत पुराने आपको स्पेक्स मिल रहे हैं, बट ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस में। और अगर आप बहुत हैवी गेमिंग के लिए नहीं ले रहे हो फोन, फिर तो आपको Redmi K20 Pro का परफॉर्मेंस भी एकदम बढ़िया लगेगा। अब मतलब यहाँ पे अगर प्राइस में सिर्फ 2,000-3,000 का डिफरेंस हुआ तो फिर मैं फिर भी कह सकता हूँ कि ठीक है एक्स्ट्रा डाल के भाई पोको F2 ही ले लो, बट अगर ऐसा हो गया कि प्राइस डिफरेंस 5,000-6,000 से ऊपर हो गया फिर तो आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए कि Redmi K20 Pro भी बुरा ऑप्शन नहीं है। एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो बस मेरे मन में है, काफी सोर्सेस से हमें ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पोको F2 और पोको F2 Pro दो फोन लॉन्च करने वाला है Xiaomi। तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो K30 Pro भी दो फोन है, एक K30 Pro है और एक K30 Pro Zoom Edition है, बट Xiaomi ने पता नहीं क्या दिमाग लगाया भाई, Redmi K30 Pro Zoom में भी रिफ्रेश रेट नहीं बढ़ाया, स्टीरियो स्पीकर नहीं बढ़ाए, वहां पे बस जो आपको चेंज मिल रहा है कि आपको कैमरा सेटअप थोड़ा बेटर मिल रहा है, आपको OIS मिल जाएगा मेन कैमरा पे और आपको एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस मिल जाएगी। बट मुझे लगता है इस फोन को पोको F2 Pro बना के लॉन्च करने का ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि पोको F1 लेने वाले जो यूजर्स थे वो ऐसे थे जिनको कैमरा वगैरह उतना ज्यादा नहीं चाहिए था और उनको एकदम टॉप क्लास परफॉर्मेंस चाहिए थी एकदम लोएस्ट प्राइस पे, और उसी वजह से एक्चुअली पोको F1 हिट हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप पोको F2 Pro निकालोगे कैमरा अच्छा करके और प्राइस महंगा करके तो मुझे लगता है और गालियां ही पड़ेंगी। उससे अच्छा मैं होप कर रहा हूँ भाई पोको F2 Pro में Xiaomi बस ये दो चीजें चेंज कर दे, बाकी सब चीज सेम रख ले पोको F2 वाली, रिफ्रेश रेट को 60-90 कर दे, स्टीरियो स्पीकर सेटअप डाल दे, और एक चीज और यहाँ पे Xiaomi शायद कर सकता है कि जो पोको F2 है उसमें 5G सपोर्ट ना दे। ये सेम चीज हम iQOO में भी देख चुके हैं, iQOO के जो नीचे वाले दो मॉडल हैं उसमें आपको 5G नहीं मिलता है जबकि प्रोसेसर 5G है, तो ये मैन्युअली डिसेबल किया हुआ है वीवो ने, शायद वही चीज पोको भी कर सकता है। ये अगर पोको F2 Pro बना के इंडिया में लॉन्च कर दिया Xiaomi ने तो मुझे लगता है ये फोन एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाएगा, और इस फोन के लिए फिर अगर आप 35,000 तक भी चार्ज कर रहे हो तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी लोगों को, क्योंकि फिर यहाँ पे बाकी जितने भी फोन्स हैं इस प्राइस रेंज में उससे एक बेटर आपको वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिल रहा है। ये खैर मेरे एकदम ख्याली पुलाव है, इस फोन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो देखते हैं भाई शायद इंडिया के लिए कुछ स्पेशल कर दे Xiaomi। अब इसका इंडिया लॉन्च आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखो इस हफ्ते Mi 10 का लॉन्च हो रहा है तो आप समझ लो एटलीस्ट नेक्स्ट 15-20 दिन में तो नहीं होगा पोको लॉन्च, क्योंकि इतना पास पास वो दो फ्लैगशिप टाइप के फोन लॉन्च नहीं करेगा। Redmi K20 सीरीज पिछले साल जुलाई के अराउंड आई थी, तो पोको F2 को भी आप मान सकते हो जुलाई तक लॉन्च तो हो जाना चाहिए। सब कुछ सही रहा, ऑनलाइन सेल वगैरह चलती रही, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च हो जाए। पर अगेन ये बात आई थिंक आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप वो प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो 25,000 के नीचे वाली, वैसा नहीं होने वाला है यहाँ पे। मैं बस होप कर रहा हूँ Xiaomi कुछ तो ऐसा सरप्राइज कर दे जिससे ये जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है पैकेज एकदम से ये एक बहुत बढ़िया डील बन जाए। अब बताओ आपके क्या ख्याल है, क्या चीज यहाँ पे बेटर होनी चाहिए थी या फिर क्या प्राइस होना चाहिए इसका जिससे आपको लगेगा कि ये एक बहुत धमाका किया है पोको ने वापस आके। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।